मैं जरा टॉयलेट होके आता हूँ। मैं नॉर्मली चश्मा पहनता हूँ, बट क्योंकि इस लड़की को एशियन लुक पसंद था, वो चाहती थी कि मैं उससे बिना चश्मे के मिलूं। यस, मैं बिना चश्मे के एशियन दिखता हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सो अब मैं बाथरूम में खड़ा हूँ, सोचते हुए कि अब मैं क्या करूँ। कॉन्टेक्ट लेंस पानी में, लड़की बाहर वेट कर रही है, और हाँ, ये मेरी पहली डेट है। मैं उस लड़की के साथ पहली डेट है। क्या करूँ, एक काम करता हूँ, भाग जाता हूँ, पर वो क्या सोचेगी। हेलो, कहाँ हो? हाँ, मैं आता हूँ। तुम उदास क्यों लग रहे हो? गर्ल्स, एक एडवाइस, कभी भी एक लड़के को वो सैड क्यों है ये मत पूछना। हो सकता है उसके घर में फैमिली मैटर चल रहा हो, कॉलेज, जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर हो, या इतना ज्यादा अकेला रहने के कारण उसका नेचर ही ऐसा हो गया, या फिर उसने आंख मलते हुए अपना कॉन्टेक्ट लेंस बाथरूम में गिरा दिया, जिसकी वजह से अब तुम उसे ऐसी दिख रही हो। ब्लाइंड डेट। एक तो पता नहीं लोगों को ये क्यों लगता है कि चश्मा उतारने के बाद मेरी पूरी दुनिया अंधकार में चली जाती है। ए, अब बता, क्या तुझे दिख रहा है? हाँ भाई, तू दिख रहा है, बस तू ब्लर है। अच्छा, तो ये बता कितनी उंगलियां हैं? ये ले, इतने हैं ये, इतने। अब बता, बोलेगा फालतू। ओके, काफी अच्छा लगा तुमसे मिलकर अंकुर। मुझे भी, पर अगली बार से दूसरी आंख में भी कॉन्टेक्ट लेंस लगा के आना। इसे कैसे पता चला? 15 मिनट पहले। हाँ, सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बात, बिल्कुल सही कह रही हूँ, मोदी जी ने एकदम बढ़िया काम किया। वेल, तुम मानो या ना मानो, मैं अभी 21 साल का हूँ और इस साल मैं 22 का हो जाऊंगा। आई नो, शॉकिंग, मैं काफी यंग दिखता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शुरू से ही गर्लफ्रेंड मिलने में दिक्कत हुई है। हे, तुम एनिमे देखती हो? अरे, तेरे को कैसे पता चला? एनिमे तो मेरा फेवरेट है। यू नो, मैं एनिमे पे वीडियोस बनाता हूँ, और शायद हम किसी दिन हैंग आउट कर सके। पहले अंडे के छिलके से बाहर आ जा, फिर बात करियो। दुख की बात ये नहीं थी कि उसने मेरे को उम्र में छोटा समझा, दुख की बात ये थी कि वो एक्चुअल में मुझसे 1 साल छोटी थी। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरी कभी जीएफ थी ही नहीं, मैं जब 12th में था तब मेरी जीएफ बनी थी। उसको हम नाम देते हैं डीजा, क्योंकि वो डिजास्टर थी, क्योंकि उसकी एक प्रॉब्लम थी, वो हर बात को बहुत नेगेटिव कर देती थी। छी, ये कॉकरोच कितना भद्दा है। बिल्कुल मेरी तरह। सोच रहा हूँ ड्रॉप ले लूँ 12th के बाद। मैं भी ड्रॉप लेने का सोच रही हूँ, 12th फ्लोर से। इस लड़की से बहुत नेगेटिविटी निकलती थी, बट एटलीस्ट मैं खुश था, क्योंकि उसका मानना था उसे मेरे अलावा कोई हैंडल नहीं कर सकता। हाँ, श्योर, उसने मुझे एक टिड्डे जैसे दिखने वाले लड़के के लिए छोड़ दिया। हाँ, मैं उदास जरूर हुआ था, पर उससे मुझे हार्ड वर्क करने की मोटिवेशन मिली थी। भाई, तू तो सिग्मा है। फिर मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, और मैंने 2-3 साल तक किसी को डेट नहीं किया। फिर मैं काफी लिमिटेड लोगों से मिलता था, मुझे बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे, और नए फ्रेंड्स बनाने में भी डर लगता था। फिर धीरे धीरे जैसे मेरी एंग्जाइटी रिकवर हुई, मेरे एक दोस्त ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप सजेस्ट करी, मीट रचित्रु। हाँ, यही वाला। ओए अंकुर, सुन ना, देख, एक काम कर ले, तू एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ले। मैंने भी ना ये मजे मजे में डाउनलोड किया था, एंड देख, तेरे को कोई गर्लफ्रेंड मिले या ना मिले, लेकिन एटलीस्ट तेरे को कुछ लोग मिल जाएंगे। सो मैंने ये ऑनलाइन डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ली। वेट, इससे एक इंसिडेंट याद आया। सो रचित, करणवीर और मैं एक स्टोर पे शॉपिंग करने गए हुए थे, और शॉपिंग करते हुए हमारे साइड में 2 लड़कियां आके रुकी, हम तीनों की आत्मा में झांकने लगी। हम तीनों ने उस चीज को नोटिस कर लिया था, पर हमने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, टू मच फन। बट नेक्स्ट डे रचित के डेटिंग ऐप पे 2 लड़की में से एक का रचित को मैसेज आता है। आई सॉ यू इन हॉस्कास। ओ माय डॉग। अगर ये तुम्हें क्रीपी नहीं लग रहा है, तो कुछ दिनों बाद मेरे ऐप पे भी वही लड़की शो अप हुई। इट वॉज लाइक धीरे धीरे वो हम तीनों को टारगेट कर रही थी, और हमारा मर्डर होने वाला है। खैर, उस दिन के बाद से हमने थोड़ा हॉस्कास जाना कम कर दिया है। गर्ल्स, एक और एडवाइस, अगर आपने किसी लड़के को पहचान लिया है, तो कृपया उसकी आत्मा में ना झाके, और अगर झाक लिया है, तो उसे ऐसे मैसेज ना करें। कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें रैंडमली देखने लगूं, और नेक्स्ट डे किसी तरह तुम्हारी प्रोफाइल ढूंढ के तुम्हें मैसेज करूं? मैंने तुझे साकेत में एक पनवाड़ी पे 502 बीड़ी बंडल फूंकते हुए देखा था। भाई, क्रीपी एज डक। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो।